गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल तक हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करी थी यूजिंग कैलकुलस मेथड। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एक फोर्थ इक्वेशन और हमने डिराइव करनी है, बट वो कैलकुलस मेथड से नहीं होगी। ध्यान से सुनना, फोर्थ इक्वेशन है डिस्टेंस covered by a body in the nth second। nth मतलब मुझे पर्टिकुलर से, अब सपोज करते हैं पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सपोज करो ए से बी तक बॉडी गई, टोटल टाइम लगा इसको यहां से यहां जाने में 10 सेकेंड। क्लियर? अब जो एग्जामिनर था उसने मेरे से कहा भी सी तक तो बॉडी जा रही है 9 सेकेंड्स में, मुझे ये जो लास्ट 10 सेकेंड है ना, इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई ये फाइंड आउट। समझ गए? भाई मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड की निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मैंने क्या किया इसका, मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने देखा भी आखिरी सेकंड में निकालनी है, भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड मतलब ए बी टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं, भी इसने 10 सेकंड में कितनी करी ए बी, उसमें से कितनी घटा देता हूं ए सी, भी उसने 9 सेकंड में कितनी ट्रेवल करी, तो मेरे पास 10 सेकंड की आ जाएगी या नहीं आएगी। मतलब जो उनसे सेकंड की निकाल ली है उतने सेकंड्स में कितना डिस्टेंस, माइनस उससे एक कम वाले में कितना ट्रेवल हुआ। इसके लिए भी सपोज करो डीएन निकालना है मुझे, dn means distance traveled in the nth second, तो मैं total distance traveled in n second minus total distance traveled in the n minus 1 second। समझ गए? सेम कॉन्सेप्ट है भाई, 10 सेकेंड की निकालनी, 10 की जगह मैं nth लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड की कैलकुलेट करी, टोटल डिस्टेंस n सेकेंड की कैलकुलेट कर ली, माइनस n माइनस 1 10 में से क्या, नो n। क्लियर है? इस फॉर्मूले से हम dn का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। Sn सपोज करो, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर दैट u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, A is the acceleration of body। Sn, S का फॉर्मूला एक आपको करवाया हुआ है, ut plus half at square। अब ये t टाइम के लिए था, अब यहां पर कितना टाइम है n, t की जगह n पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन, फिर एस एन माइनस 1 यू क्लियर है, यू इंटू में एन माइनस यू प्लस हाफ ए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, एस एन माइनस 1 आ जाता है यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए, मल्टीप्लाई कर रहा हूं जस्ट अंदर, माइनस ए एन। थर्ड क्वेश्चन, एस एन
एन भी आ जाता है, एस एन माइनस वन भी आ जाता है। पुट करते हैं, पुट सेकेंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट, डी एन आ जाता है, एस एन कितना है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस, एस एन माइनस वन आ जाता है, यू एन माइनस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस, सॉरी यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ ए माइनस ए। जस्ट पुट किया है, यहां डी एन था एस एन, एस एन की वैल्यू माइनस एस एन माइनस डी एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस अंदर ले जाते हैं तो माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए प्लस ए, यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ एन स्क्वेयर से हाफ एन स्क्वेयर, डी एन यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन, ये अंदर ले जाते हैं, टू एलसीएम ले लेता हूं तो इसके नीचे वन था, टू ए एन माइनस ए यू प्लस ए कॉमन आ सकता है, टू कॉमन आ सकता है, टू एन माइनस, नोट डाउन करो इसको, रीड करो बहुत अच्छे से एक दो बार, फिर समझ में आएगा ये।